तो दोस्तों, अगर आपके पास गांव या शहर में आप कहीं से भी रहते हो, अगर आपके पास थोड़ी बहुत बंजर जमीन या खाली जमीन जिसको बोलते हैं, जो बेकार पड़ी है, कोई काम की नहीं है, अगर आपके पास ऐसी जमीन है तो आप इस बिजनेस को बड़ी आसानी से कर सकते हो और बिना कुछ पैसा लगाए। अगर आप गाँव से हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगाना है, और अगर आप शहर से हो तो थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट करना है, तो मामूली सा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप इस बिजनेस को बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो इस बिजनेस की दोस्तों खास बात यह है कि इसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार खुद प्रमोट कर रही है कि इस बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, और साथ साथ में इस बिजनेस के लिए आपको लोन दे रही है। उसके बाद में आपको कहाँ पे बेचना है उसके लिए भी टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट खुद इसको खरीद रही है, वो तो बहुत बढ़िया, और साथ में इसको सब्सिडी भी दे रही है। अगर आप इस बिजनेस से जुड़ते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी मिलेगी, तो आपको फायदा ही फायदा है दोस्तों। तो इस बिजनेस में आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, और गांव में रह के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो दोस्तों, और बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं, तो आप भी इसे जुड़ सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, आज के बिजनेस की बात करें तो आज का बिजनेस है दोस्तों जैविक खाद की बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक खाद भी बोलते हैं, क्योंकि आज के दिन आप देख रहे हैं दोस्तों, हर एक जगह कोई भी सब्जी हो, दाल हो, गेहूं हो, हर एक चीज के अंदर सबसे ज्यादा रसायन यूज हो रहे हैं, मतलब जहरीली चीजें यूज हो रही है, जिसके कारण सभी लोगों की सेहत पे बुरा असर पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट इसी सब को नियंत्रण करने के लिए जैविक खाद को बढ़ावा दे रही है, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा प्रमोट कर रही है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हर आदमी जैविक खाद का यूज करे, ताकि जो खाने पीने की चीजें हैं वो एकदम दूषित होने से बच सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो दोस्तों, आपको इसको शुरू करने के लिए आपके एरिया के अंदर इसको थोड़ा सा जांच पड़ताल करना है कि गवर्नमेंट आपको किस लेवल पर इस पे यहाँ पे किस हद तक आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपको इसकी जानकारी जुटानी है। और दोस्तों, इसके रॉ मटेरियल की बात करें कैसे होगा स्टार्ट, तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, जो भी गांव देहात में आप देखते हैं गोबर है, फल सब्जियां जो सड़ी हुई सब्जियां रहती है वो है, इस टाइप के जो आइटम है जो गांव में बड़ी आसानी से फ्री में मिल जाते हैं, इससे आप तैयार कर सकते हो। शहरों में भी ऐसा ही दोस्तों, शहरों की बात करें तो आपको बहुत ही मामूली पैसे में आपको जो बाहर की शहर से आउटसाइड में जमीन मिल जाएगी, वहां पे इसको स्टार्ट कर सकते हो। और शहर में रॉ मटेरियल की बात करें दोस्तों, तो जो शहर में जो बड़ी बड़ी सब्जी मंडी होती है, वहां पे जो वेस्टेज निकलता है, गले सड़े जो फ्रूट और फल रहते हैं, तो वहां पे आप उनको खरीद सकते हो, खरीदने की जरूरत भी नहीं है वहां पे। अगर आप वहां भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बात करेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको पूरा जो वहां को जो साफ सफाई वाले जो कर्मचारियों को बोल देंगे कि भाई को आप ये सब चीज दे सकते हैं, तो आपको गाड़ी ले जानी है, पर आपको बहुत ही कम पैसों के अंदर, मतलब फ्री के अंदर आपको वहां से वो माल मटेरियल मिल जाएगा, और आप इस तरह से उसको जैविक खाद में तब्दील कर सकते हैं, और बहुत कम टाइम में तैयार हो जाती है, और वो सब नॉर्मल सी चीजें, और इसके लिए ज्यादा कोई ताम झाम की जरूरत नहीं, बेसिक उपकरण की जरूरत होती है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों, इसको आप स्टार्ट कीजिएगा। और इसकी डिमांड की बात करें दोस्तों, तो आज आप देखते हैं लोग छोटे छोटे जो भी अपने घर में बाग बगीचे लगाते हैं उसमें जैविक खाद का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो भी फ्रूट और सब्जियां लोग घर पे तैयार कर रहे हैं वो चाहते हैं कि वो जहरीली ना हो, इसलिए वो मार्केट से इसको खरीदते हैं। तो इसको आप ऑफलाइन खरीद बेच सकते हो दोस्तों। विदेशों के अंदर इंडिया की जैविक खाद की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हो, ऑफलाइन बेच सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके पास सरकारी महकमे में आपकी जान पहचान है तो आप इस बिजनेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपके लिए लेके आता हूँ अच्छे से बिजनेस आइडिया। तो मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।